हिंदुस्तान के क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपके हैं इस बार चुनाव उतर रही हैं पहली बार आपकी है? सड़क है, नाली है और तमाम मुद्दे हैं जो और जो पार्क वगैरह है उसमें टूटी फूटी नालियां हैं, उसमें वॉक करने जाते हैं, इतना बदबू करते हैं, इतना किच्चा है, कोई उसका सुनवाई नहीं है, बिजली भी है और सब तमाम मुद्दे हैं। कोई एक बड़ा मुद्दा बताइए जो आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या हो उसकी। सड़क का मुद्दा है, पार्किंग का मुद्दा है, जाम का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं इससे सारे। इससे पहले कभी आपने इस क्षेत्र में कदम रखा था या कभी कुछ किया है इससे पहले? आप राजनीतिक क्षेत्र में कभी आप रही हैं इससे पहले? राजनीति में सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जो आप पूछना इस बार समाजवादी पार्टी इतिहास रचने वाली है। समाजवादी पार्टी लगातार टिकट बदल रही है, आप लोग आक्रोशित भी हैं, आपको पहले किसी और नाम प्रस्तावित था पार्टी से? नहीं, सब हमारे एक परिवार। क्या उन लोगों के साथ जनता के बीच क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप? बिजली, पानी, सड़क, प्रवक्ता जी आइए। तमाम मुद्दे हैं जो औरतों को जो सुनवाई नहीं होती सब तमाम। क्या करेंगे आप? महिला है, विशेष व्यवस्था करेंगे, जो कहेंगे सब करेंगे। ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। लोग खुश हैं और समाजवादी पार्टी का श्रवण जायसवाल का 26 साल का कार्यकाल और 26 साल का इतिहास इस जौनपुर में एक इतिहास रचने का काम करने जा रहा है, 20 साल का किला तोड़ने का काम करने जा रहा है। आम जनमानस व्यापारी आज जिस तरह पूरा व्यापारी अपने आप को बीजेपी से ठगा महसूस कर रहा है, व्यापारी वर्ग में हम बैठे थे, व्यापारी कह रहा था कि व्यापारी समाज को न सांसदी लड़ाया जाता है न विधानसभा लड़ाया जाता है, व्यापारी को सिर्फ नगर पालिका लड़ाया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में व्यापारी का मूलीकरण करने का काम करती है, व्यापारियों को टिकट नहीं देती है। इससे व्यापारियों बड़ा रोष जागृत है और व्यापारी संकल्प लेके खड़ा है कि हम व्यापारी के साथ रहेंगे, हम ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो लगातार व्यापार का और व्यापारियों के हित की लड़ाई जमीन से लेकर सड़क तक हर जगह लड़ने का काम किया, थाना से लेकर चौकी तक। ये ऐसा व्यापारी है जो अपने व्यापारियों के लिए हर कदम से कदम मिला के साथ चलने का काम करेगा, व्यापारी भाई उसके साथ हमेशा तत्पर है। भाजपा ने मौर्या कैंडिडेट उतारा था, कहीं आप मौर्या दूसरा कैंडिडेट सपा से भी मौर्या कैंडिडेट का काम आया? नहीं, ये फर्जी अफवाह है, ये फर्जी अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला कैंडिडेट उतारा था, समाजवादी पार्टी ने पहला कैंडिडेट उतारा उषा मौर्या का, ये बेवजह का अफवाह है। कोई किसी समाजवादी पार्टी ने एक ही कैंडिडेट उतारा था, वो है उषा जायसवाल, कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था समाजवादी पार्टी ने, एक भी कहीं को दिखा। अरे पार्टी के प्रत्याशी बदले नहीं गए हैं, नाम लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ था, वो नाम संशोधित काट कर कन्फ्यूजन में नाम टाइप करने में कन्फ्यूजन हुआ और उसमें फिर सही संशोधन हुआ। टिकट का कोई फेरबदल नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक फैसला लिया है और एक टिकट जारी किया है। और जो तमाम अफवाहें फेसबुक के माध्यम से चली है, आप लोग बताइए कोई पार्टी फोरम में समाजवादी पार्टी पेज है क्या? पार्टी फोरम पेज पे किसी प्रकार का कोई टिकट आया? नहीं आया, ये झूठी अफवाहें हैं। एक टिकट और एक व्यवस्था से समाजवादी पार्टी बांटने काम किया, न किसी को टिकट दिया था न किसी का टिकट काटा, जो टिकट दिया था वो टिकट बरकरार है समाजवादी पार्टी। पहली लिस्ट जारी नहीं, उसमें नाम में मैंने कहा कि टाइपिंग में नाम में कुछ कंफ्यूजन हो गया था, नाम कंफ्यूजन से दूसरा डाला गया था, उसको संशोधित करते हुए सही नाम का आकलन लिया गया है। बाकी उसमें देखिये मानव शरीर है, कन्फ्यूजन तो हो ही सकता है, मानव शरीर में कन्फ्यूजन हो ही सकता है, लिखा पढ़ी में चूक हो ही सकती है। क्या मुगला बासापुर में क्या विधानसभा
पहले देखिए जो कंफ्यूजन अभी नगर पालिका क्षेत्र का चुनाव है इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनपद जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने 26 साल से संघर्ष करने वाले व्यक्ति श्रवण जायसवाल को जिस तरह टिकट उनकी पत्नी को देने का काम किया है एक